हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पार्ट टू वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, आप हमारे फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उस लिंक पर जाके आप वो भी वीडियो देख ले, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने उस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम 16वां प्रश्न से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज का 16वां यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव मतलब इनमें से कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जीव है। 18वां प्रश्न है, कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद जो है वो किस में पाया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीबा। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज की प्राप्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों के द्वारा पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क। उत्सर्जी अंग एक वृक्क है इनमें से। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु यानी कहाँ बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीरसन में। शुक्राणु वीरसन में बनता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुमेह। मतलब कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है, तो मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक से संलयन को कहते हैं। मध युग्मक नर युग्मक एवं मादा युग्मक के होगा यहाँ दोस्तों, के संलयन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेचन। दोनों के संलयन को निषेचन कहते हैं दोस्तों, यहाँ के होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मटर। एक लिंगी पादप का उदाहरण मटर है, मटर का पौधा। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो दोस्तों यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होगा इनमें से सभी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में रहेगा, इनमें से सभी। तो उसी में आप टिक लगाइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी डी टी होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, परागकोष में पाया जाता है। तो दोस्तों, परागकोष में परागकण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आपको हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं। दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।